तो महादेव ने कहा भाई हमने उनको वहां भेजा, हमें प्रणाम करके वो वहां चल दिए। तो माता ने पूछा कि आप ही ने क्यों नहीं समझाया? तो महादेव ने कहा कि हमने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि हमने हरि की इच्छा जान ली। हो कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधान। फिर उनको अभिमान हुआ होगा और भगवान उनके अभिमान को नष्ट करना चाहते होंगे, इसलिए सब लीला प्रभु ने रची है। और फिर महादेव ने कहा कुछ हमने इसलिए भी नहीं समझाया कि समुझे खग खग ही के भाषा। बोले पक्षी को पक्षी की बोली भाषा समझ में आती है ना, बोले इसलिए भी हमने नहीं समझाया उनको। अरे अंत में प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञान। बाकी तो महादेव ने कहा भाई ये भगवान की माया है और कितनी प्रबल है, कितनी प्रबल है, क्या कहूं। बोले कौन ऐसा ज्ञानी है जिसको इसने मोहित न किया? तभी महाप्रभु भी कह रहे ना, कौन क्रम काल निकंद्या, कौन बचाए इससे, कौन बचाए, कौन बचेगा? अरे रुक गई तुलसी बाबा की लेखनी, जब लिख दिए रहा ना काहू धीर और सबके मन मन से जहरे। अब सब में तो भाई चीटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब ही आते हैं, सब में तो सब आते हैं। अब इसके बाद क्या लिखें, रहा न काहू धीर सबके मन मन से जहरे। तब महादेव ने दूसरी पंक्ति पूर्ण की, जे ही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। जो कीली से लग रहे बाका बाल न बाका हुए। है कबीर जी रोए ना, संत रोता है दूसरे के दुख से, दुखी होता है, पीड़ित होता है, रोता है। रोए कबीर जी, ये देखो दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, सब बोले इस अहमता और ममता की चक्की में पिस रहे हैं, कोई नहीं बचा। अब कबीर जी के पुत्र कमाल, वो भक्त भी कमाल के ही थे, वो बोल पड़े बोले अरे चाकी चाकी सब कहे और के लिए कीली लख है ना कोई। बोले चक्की देख रहे हो, अरे उस चलाने वाले उस कील को देखो ना। बोले चाकी चाकी सब कहे कीली लख है ना कोई। जब कबीर जी ने कहा ना कोई नहीं बचा, बोले नहीं कोई बचा है, कोई बचा है, आपने देखा नहीं, आप चक्की देख रहे हो। बोले वो कील को देखो, जो कीली से लग रहे लिवा का बाल ना बांका हुए। वो जो दाने कील से लग जाते हैं ना, बोले वो बच जाते हैं। जे ही राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल। ये बात जितनी शीघ्रता से समझ में आ जाए बस उतना जीव का मंगल है। इसी एक बात को समझने से कल्याण होता है, मंगल होता है। कि प्रभु के चरणों की शरण ही है जो माया और काल के इस ताप संताप से जीव को बचा सकती है, उसकी रक्षा कर सकती है। कि केवल एक प्रभु ही समर्थ है और दूसरा नहीं। जब जब प्रभु कहते ना एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं, प्रभु बचा सकते हैं। तो महादेव ने कहा भाई भगवान की माया बड़ी प्रबल है, हम तो केवल प्रणाम करते हैं। अच्छा देखो नारद जी ने यही बात कही, ब्रह्मा जी ने यही बात कही, बोले यह सब हमको भी नचाया है। गरुड़ जी को देखा, बोले भाई आज तुम्हारी बारी, अब तुम नाच रहे हो, हम भी नाच चुके हैं, सबको नचाती है ये, इसको प्रणाम है। इसलिए आपको कहता हूं भाई किस बात का अभिमान है, किस बात का अभिमान करें, किस बात का अभिमान है।
एक क्षण नहीं लगेगा, ना जानो छिन अंत कवन भूति घटयु प्रकाशित, और पथ पतन पा जाएंगे हम, पथच्युत हो जाता है जीव, कहां के लिए निकलता है, कहां पहुंच जाता है। कल महाराज श्री यही बात मुझे कह रहे थे, मैंने जाकर इसका विचार किया और फिर मुझे लगा कि मैंने कहा भाई हमारी हमारी श्रद्धा हमारी निष्ठा इस विचार के प्रति सदा रहनी चाहिए, मेरी भी और आपकी भी। महाराज जी ने कहा कि सत्संग तो आरंभ होता है, अनेक अनेक स्थानों पर होता है, पर फिर धीरे धीरे क्या देखा जाता है कि उसमें कई अवांछित वस्तुएं आने लगती हैं। उस सत्संग की उस भाव की वृत्ति ही कहीं बहिर्मुखी हो जाती है, लक्ष्य भगवान नहीं रहते। और कल हमने इस बात पर चर्चा की ना, महादेव बता रहे कथा का स्वरूप क्या है, कह रहे जिसमें आदि मध्य और अवसान में केवल भगवान की ही बात हो वो कथा है, वो सत्संग है। जिस चर्चा का प्रतिपाद्य विषय भगवान हो उसको सत्संग कहना चाहिए। कोई अपने नाम के लिए बोले, कोई दाम के लिए बोले, कोई काम के लिए बोले, तो बोले ना ना वो कथा नहीं है, वो सत्संग नहीं है। बोले जो राम के लिए बोले सोई कथा है। इसलिए मैं आपको पहले भी मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं, कल मैंने इस बात का विचार किया, मैंने कहा हाँ भाई ये बड़ी दुर्लभ बात है, अगर प्रभु ने हमको ये कृपा प्रसाद दिया है तो इसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम सदा यही पवित्र भावना अपने मन में रखें कि भाई आपके मेरे मिलन का उद्देश्य केवल भगवान रहे और कुछ नहीं। और मैंने तो कई बार आपसे कहा भी, भाई देखो जो संसार का सुख दुख है ना, उसको दूर करने की जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। समय पर आ भी जाएगा और समय पर चला भी जाएगा, कुछ भी करो, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। और ये बात कौन कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं। कब कह रहे हैं ये बात? महादेव ने कब कही? आप में से किसी को पता हो? ना। जब माता सती को बहुत समझाया कि तुम मत जाओ पिता के घर, वहां जाने में हित नहीं है, खूब समझाया और नहीं मानी। फिर महादेव को लगा, रे हम क्यों समझा रहे थे, हो ही जो राम रचि राखा। बोले जो होना है तो होगा, सोई तो संत कह रहे। बोले अरे अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, किससे पूछते हो, क्या बताते हो, क्या सुनते हो, कौन तुमको उपाय बता देगा? कान खोलकर सुन लेना, भविष्य में क्या होने वाला है ये भले कोई बता दे, कोई हो ऐसा महापुरुष भले त्रिकालज्ञ जो ये तो बता दे क्या होने वाला है, लेकिन उससे बचने का उपाय किसी के पास में नहीं है। जो होना है सो होगा। को कर तर्क बढ़ा वही साखा। तो इसलिए भाई संत मिला हो, संत मिलाओ तो हरि का गुण सुनिए, हरि का गुण कहिए। राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। और कितने भी प्रश्न हो सबका उत्तर तो एक ही है भाई। आगे श्री काग भुसुंडी जी कहेंगे गरुड़ जी से, जब चर्चा पूर्ण होगी ना, एक ही बात कहेंगे, निज अनुभव सुन कहो खगेसा, बिन हरि भजन न जाही कले। भगवान के भजन के बिना जीव का दुख दूर नहीं होता भाई। सब प्रश्नों का एक उत्तर है, क्यों वृथा की वार्ता क्यों? अच्छा, और संसार की चर्चा वार्ता से ही बहिरंगता आती है। और आपको और मुझे तो इस स्थान को, इस सत्र को, इस
इस भाव से सदा ही बचा कर रखना है। आप और मैं यहां मिले केवल और केवल भगवत चर्चा के लिए, बस प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला और प्रभु का धाम, बस इसके अतिरिक्त हमारी चर्चा का, हमारी वार्ता का विषय कुछ ना हो, कोई ना हो। वहां चले जाना कोई कठिन काम नहीं है भाई, वो तो बड़ा सरल है, वो तो बहुत ही सरल है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। उसके बीच में रहकर उससे बचे रहना कठिन है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। और बनी रहे सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, ज्ञानी भगत सिरो मनि त्रिभुवन पति कर जान, ताही मोह माया नर पामर करही गुमान। बड़ी बात महादेव कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं हम तो केवल ये विचार कर रहे हैं जो परम ज्ञानी है और भक्तों के शिरोमणि है। बोले बताओ उन गरुड़ जी को भगवान की माया ने मोह लिया, बोले पापी पुरुष किस बात का गुमान करते हैं। कौन होता है पापी? बड़ी सुंदर बात शास्त्र में मिलती है, बोले अभिमानी ही पापी है, और कुछ करने वाला पापी नहीं, अभिमान करने वाला पापी है। इसको अभिमान है, बोले बस वही पापी है, वही कलुषित चित्त है। महादेव कह रहे हैं, बोले पामर कर ही गुमान, बोले पामर मनुष्य गुमान करता है, अभिमान करता है। शिव विरंचि कहु मोहि को है बपुरा आन। बोले शंकर ब्रह्मा सबको इसने मोहित किया है। अस जिय जान भजही मुनि मायापति भगवान, मायापति भगवान। अस जिय जान, ऐसे महाप्रभु जी ने कहा ना व्यास जी से, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। फिर इस बात का अच्छे से अनुभव करके अस जिय जान भजही मुनि मायापति भगवान। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, मामेव ये प्रपद्यन्ते। गयो गरुड़ जहां बसही भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देखि सैल प्रसन्न मन भयउ माया मोह सोच सब गया। अब देखो कितनी अद्भुत बात है, वो कह रहे हैं गयो गरुड़ जहां बसही भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। अच्छा जिनकी प्रशंसा महादेव कर रहे हैं उनमें कोई तो बात होगी। महादेव ने प्रशंसा की श्री काग भुसुंडी जी की, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना राम भगति पथ परम प्रवीणा। कह रहे बड़े प्रवीण है, बड़े प्रवीण है, जैसे कोई रस्सी पर दौड़ रहा हो ऐसे ऐसे। और कह रहे जहां वो रहते हैं, जिस स्थान पर वो नित्य निरंतर हरि की कथा कहते हैं, बोले उसका प्रभाव क्या है। देख सैल प्रसन्न मन भयउ, कहले गरुड़ जी को जब उस पर्वत का दर्शन हुआ ना, कह रहे उस पर्वत के दर्शन से उनका मन प्रसन्न हो गया। माया मोह सोच सब गया, ऐसे लगा जैसे सारा अंधेरा दूर हो गया, एकाएक मन शीतल शांत पवित्र हो गया उस पर्वत का दर्शन करके जहां श्री काग भुसुंडी जी विराजते हैं, जहां नित्य भगवान की कथा होती है। वही समय पवित्र है भाई, जिस समय भगवान की कथा, भगवान की वार्ता, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान होता है। वही संग पवित्र है जिससे हृदय में भगवान के नाम और रूप का, भगवान की लीला और धाम का चिंतन प्रगाढ़ होता है। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार, और वही स्थान पवित्र है भाई जहां नित्य निरंतर ये भगवत कथा की मंदाकिनी प्रवाहित होती है।
कथा का प्रसाद क्या है, जीव को भगवान के स्वभाव की प्रतीति होती है, और भगवान के स्वभाव की प्रतीति होने से ताही भजन तजी भाव न आना, भगवान मीठे लगने लगते हैं, भगवान प्यारे लगने लगते हैं, भगवान मधुर लगने लगते हैं, भगवान में आत्मीयता होती है, भगवान में अपनापन हो जाता है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज बार बार कहते थे, भाई कुछ ऐसा करो भगवान में अपनापन हो जाए। मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहे, मेरे नाथ। मैं कई बार कहता हूं ना आपसे, कृष्ण कहना अच्छा है पर मेरे कृष्ण, प्रभु में आत्मीयता हो जाए, अपनापन हो जाए, वही बात भगवान चाहते हैं जीव से। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर लो। ये भोली सखी कह रही है, सब नाते बस तुमसो ही मानो, मेरे सब संबंध तुमसे हैं, सब नाते तुमसे हैं। तो मैं तो कभी इस लीला की भावना करता हूं ना, तो ये पंक्ति पढ़ के बड़ा आनंद आता है। देख सैल प्रसन्न मन भयउ, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। ऐसा ऐसा लगा गरुड़ जी को। हाँ गाओ गाओ। मीठी मीठी कथा सुनते सुनते आपका भी स्वर मीठा हो गया है। कर तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गया हूं हृदय हर सान, वृद्ध वृद्ध विहंग तहाए, सुने राम के चरित सुहाए। गरुड़ जी ने वहां सरोवर में स्नान किया, कुछ जलपान किया और फिर उस वटवृक्ष के नीचे गए जहां काकभूषुंडी जी बैठकर नित्य कथा सुनाते हैं। वट का एक गुण होता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी जहां पर सत्संग होता है, उस स्थान की सात्विकता, उस स्थान की पवित्रता में अखंड वृद्धि होती है। इसलिए पूर्व में कभी आपसे मैंने कहा था, आपके घर में भी कोई एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर नित्य निरंतर भगवान की कथा और भगवान के नाम का कीर्तन हो। थोड़ी देर वहां पर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, थोड़ी देर भगवान की कथा का कथन श्रवण वहां पर होना चाहिए। एक एक कोना आपके घर में ऐसा हो। मंदिर में कीर्तन नहीं होता है, जहां कीर्तन होता है ना वो स्थान मंदिर होता है। तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, यहां भगवान की कथा वार्ता होती, वही स्थान तीर्थ है। तीर्थ में कथा नहीं होती, जहां कथा है वो तीर्थ है। तीर्थ में साधु नहीं रहता है, जहां साधु रहता है वो तीर्थ है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मैं कितना भी कहूं पर कह नहीं सकता किसकी किसकी महिमा क्या है, कैसी है, क्योंकि मति थकित हो जाती है। देखो कब से भटकते हम, भटक ही रहे थे, और कोई संत मिल गया, उसने प्रभु का नाम सुनाया, उसने प्रभु की कथा सुनाई। कोई ऐसो रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई। तिस भेंटे गति हो हमारी, और जन्म मरण से छूटने का मार्ग बता दे। इसलिए रैदास बलिहारी लेते हैं, उस दिन की, उस क्षण की, उस पल की। व्यास जी कहते हैं अपनी वाणी में, सोई घड़ी सोई छिन सोई पल सोई दिन। व्यास जी कह रहे हैं, सोई घड़ी सोई दिन सोई पल सोई छिन, जब ही मिले मेरे प्यारे के प्यारे। कह रैदास मिले हरिदासा,
जन्म जन्म की पूरी आसा, जन्म जन्म की। कथा आरंभ करे सोई चाह, ते ही समय गयो खगना। जब गरुड़ जी पहुंचे बस कथा आरंभ होने ही वाली थी, श्री काक बसुंडी जी कथा का आरंभ करने वाले थे। आवत देखी सकल खग राजा, हर से हूँ बायस सहित समान। और जैसे गरुड़ जी का दर्शन किया, जैसे गरुड़ जी को आते देखा, सब एक स्वर से गा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा के आरंभ में भगवान नाम का उच्चारण किया ही जाता है ना, यहाँ भी कथा आरंभ होने वाली है। एक बार आप मैं सब प्रेम से कहें, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण महाराज कहा करते थे, बोले इस लोक में सर्वाधिक आनंद कब प्रकट होता है? किसी ने कहा जब भगवान आते हैं। बोले नहीं, बोले जब भगवान के दो भक्त मिलते हैं यहां, तब सर्वाधिक आनंद प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि दो भक्तों के मिलने से अनादि काल तक, अनंत काल तक, क्योंकि जब दो भक्त मिलते हैं तो अनंत काल तक सृष्टि का कल्याण करने वाली भगवती कथा की गंगा प्रवाहित होती है। इसीलिए सर्वाधिक आनंद तब प्रकट होता है यहाँ जब दो भक्त मिलते हैं। वहां काक बसुंडी है, वहां गरुड़ हैं, और दोनों ही परम ज्ञानी भक्ति पथ में परम प्रवीण है। ये तो भगवान की लीला है, हमारे कल्याण के लिए प्रभु अपने जनों को खिलौना बनाकर ये खेल खेलते हैं, लीला रचाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। Narayan, 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 Naray
अति आदर खगपति कर कीन्हा। स्वागत पूछि सुआसन दीना, करी पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोले हुका। तुलसी बाबा की लेखनी भी विचित्र है, कह रहे मधुर वचन तब बोले हूं कागा। अब कौवा मधुर बोलता नहीं, बोल सकता नहीं है, उसका प्रकृति प्रदत्त जो स्वर है वही कर्कश है। पर यहां बता रहे भगवान की भक्ति की महिमा क्या है, बोले वो काग के मुख से भी मधुर स्वर प्रकट करा देती है। मधुर वचन तब बोले हूं कागा। श्री काग भुसुंडी जी ने बड़े आदर से सबसे पहले तो श्री चरणों का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, नमन किया। आप भगवत पार्षद हैं, बड़ी कृपा करके यहाँ हमारे धाम में पधारे हैं। और फिर स्वागत पूछ सुआसन दीना, सुंदर आसन उनको बैठने के लिए दिया। और कर पूजा, और पूजा भी कैसी है, कर पूजा समेत अनुरागा। ध्रुवदास जी ये बात कहते हैं भजन शत में, कह रहे श्री जी की सेवा करते करते, उस आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं उसी समय यदि कोई संत कोई भक्त आ जाए तो कह रहे तत्काल सेवा छोड़कर पहले संत का सत्कार करना चाहिए। पहले वो जो हरि भक्त पधारे हैं पहले उनका आदर, उनका यथा योग्य सत्कार करना चाहिए। ये बड़ी प्यारी घटना है छोटी सी। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज एक बार पधारे गोवर्धन नाथ का दर्शन करने। श्री गुसाई जी ठाकुर जी को जामा पहना रहे थे, एक बाह पहनाए थे, और श्री ठाकुर जी ने कहा कि श्री स्वामी जी दर्शनार्थ पधार रहे हैं, केवल इतना ही कहा। और श्री गुसाई जी वो जामा ऐसे ही आधा पहनाया छोड़कर और दौड़ गए स्वामी जी का स्वागत करने। अब स्वामी जी भी भाव सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने कहा अरे जामा तो पूरा पहनाकर आते। तो श्री गोसाई जी ने कहा कि अरे सेवा का सुफल तो हमको आज मिला, आप पधारे हम हमारे कान में प्रभु का वो महा मधुर स्वर पड़ा, हमको प्रभु की बात सुनने को मिली। आपके आने का ही तो प्रताप है, ये आपके आगमन का ही तो प्रसाद है। तो कथा आरंभ करने जा रहे थे, ऐ अपने आसन से उठकर पहले गरुड़ जी का पूजन किया, वर्चन अर्चन किया, सुंदर आसन उनको दिया और सजल नेत्र उनके चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं श्री काग भुसुंडी जी, नाथ कृतारथ भयउ मैं तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करऊ अब प्रभु आय केहि काज, प्रभु आय केहि काज। आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए, अब आज्ञा दीजिए किस कारण से आपका यहां आगमन हुआ है। देखो विद्या ददाति विनयम, जो विद्यावान है वो विनम्र होगा, इसीलिए विनम्रता है तो जानना कि ये कुछ जानता है। अगर विनम्रता नहीं है तो जैसे गधे की पीठ पर कोई चंदन की लकड़ी लाद दे, गधे को क्या लेना देना है, उसको कुछ खबर थोड़ी है कि कितनी मूल्यवान लकड़ी है, इसकी खुशबू क्या है, इसका गुण क्या है, ना उसके लिए तो वो बोझ ही है। ऐसे कभी कभी किसी के लिए विद्या केवल बोझ हो जाती है। बुद्ध जनों का कहना है किसी किसी की विद्या किसके लिए, बोले विद्या विवादाय, उसकी विद्या केवल विवाद के लिए होती है। चार बात जान ली, अब जहां देखो जिसको देखो उसकी गलती निकालकर लड़ रहा है, झगड़ रहा है, विद्या विवादाय। अरे धनम मदाय, किसी किसी के पास धन आता है तो वो केवल मदांध ही हो जाता है, शक्ति आ जाए तो वो दूसरे को सताता है।
विद्या आए पर उसका वास्तविक प्रसाद तो विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम। आप देखो श्री काक बसुंडी जी कैसे भक्त हैं कि महादेव उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। महादेव ने भेजा, जाओ उनके पास जाकर कथा सुनो। कल भी मैं आपको कह रहा था महादेव तो कथा के आदि वक्ता हैं। आप सारे शास्त्र पुराण उलट पलट कर देखिए, आधे से अधिक स्थान पर आपको महादेव ही कथा सुनाते मिलेंगे। वो ही कथा सुना रहे हैं सबको और बड़ी प्रशंसा की है काक बसुंडी जी की। काक बसुंडी जी के पास भेजा और काक बसुंडी जी का दर्शन करते ही गरुड़ जी के मन का खेद दूर हो गया। कहने वो जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को देखकर मन प्रसन्न हो गया। मैं कभी भावना करता हूं जब इस लीला की, क्योंकि मैंने आपसे प्रथम दिन कहा था कि उत्तरकांड का ये जो प्रसंग है मुझे बड़ा बड़ा प्रिय है। सजल नयन काक बसुंडी कह रहे हैं, नाथ कृतारथ भयम् मैं तव दर्शन खगरान, आय सुदेहु सो करूं प्रभु आय के का। कह रहे आज्ञा दीजिए। फिर गरुड़ जी उत्तर देते हैं। गरुड़ जी कह रहे बोले, आप मेरे आने से कृतार्थ नहीं हुए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, आहा जे ही के अस्तुति सादर निज मुख कीनी महेश, निज मुख कीनी महेश। गरुड़ जी मुस्कुराने लगे, कह रहे नाना मेरे आने से आप क्या कृतार्थ होंगे। बोले सदा कृतार्थ रूप तुम, आप तो सदा ही कृतार्थ हैं। कह रहे जिनकी स्तुति, मैं तो प्रशंसा कह रहा हूं पर तुलसी बाबा तो कह रहे बोले जिनके अस्तुति सादर, बोले जिनकी सादर स्तुति की है किसने, निज मुख कीनी महेश। बोले त्रिपुरारी भगवान शंकर, त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर, त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर, बोले उन्होंने अपने मुख से जिनकी स्तुति की है, बोले वो तो सदा ही कृतार्थ रूप है। आपके स्मरण मात्र से कोई कृतार्थ हो जाए, आपके चिंतन से किसी का मन निर्मल हो जाए। अब मेरी बात सुनिए कि मैं आया क्यों हूं। सुनहु तात जे ही कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो, देख परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नारायण। अब सुनिए मैं जिस कारण से आया हूं। और सबसे पहले गरुड़ जी ने क्या कहा, बोले आपका आश्रम देखकर ही बोले मेरे मन का सारा मोह, मेरे मन के सारे संशय नष्ट हो गए। क्या महिमा होगी। देखो मानस में ऐसा लिखा है कि काक बसुंडी जी का आश्रम ऐसा है जिसमें माया और काल दोनों का ही प्रवेश नहीं है। क्या ऐसा संभव है? हाँ ऐसा संभव है। भगवान के नाम में, भगवान की कथा में ऐसी शक्ति है। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सबको आज्ञा देने वाला काल है, समय। ब्रह्मा जी की भी एक आयु है ना, उतनी आयु तक वो अपना कार्य करते हैं, उनके पास भी एक निश्चित अवधि है। तो चींटी से लेकर और ब्रह्मा जी पर्यंत सबको आज्ञा देने वाला काल है, समय है। और काल को आज्ञा देने वाले भगवान है। वो काल से परे हैं, काल से न्यारे, काल से परे। वो काल भी हैं पर काल से परे और काल से न्यारे भी हैं, निर्गुण और न्यारे न्यारे। ये श्री नामदेव जी प्रभृति भक्त जो भगवान में सदेह विलीन हुए, कैसे हुए? मीरा जी सदेह विलीन हुई, कैसे हुई? क्योंकि भगवान के नाम का गान करते करते, रूप का ध्यान करते करते, लीला रस का पान करते करते, ये जो शरीर है चिन्मय हो गया,
सच्चिदानंद का ध्यान करते करते चिन्मय हो गया। कैसे हो गया? कीट भृंग न्याय से इसको समझना चाहिए। भंवरा कीट को पकड़ लेता है और कीट भयवश भ्रमर का चिंतन करते करते भृंग हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, रूप स्वरूप बदल गया। वो तो भय से कर रहा है और भक्त तो प्रेम से प्रीति से भगवान का नित्य निरंतर भजन करते हैं, अखंड भजन जिसके जीवन में सिद्ध होगा। वो यही रहते हुए संसार के मध्य रहते हुए संसार से मुक्त हो जाता है, प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो वहां कह रहे नित्य निरंतर भगवान की कथा चलती है, उनका एक ही कार्य है प्रभु के नाम का और गुण का कीर्तन। उसने उसका प्रभाव क्या हुआ कि वो जो स्थान है कह रहे माया और काल से अतीत हो गया। आपने इतना अनुभव तो किया होगा ना, कोई कोई स्थान ऐसा होता है जहां जाते ही आपको बड़ी सात्विक अनुभूति होती है, पवित्र अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। कोई कोई स्थान ऐसा होता है जहां बैठकर भजन करने की इच्छा जगती है। कोई कोई स्थान ऐसा होता है जहां पर ऐसे अनुचित से अवांछित से अपवित्र से विचार आने लगते हैं। स्थान का अपना एक परमाणु होता है ना। जहां नित्य निरंतर भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला कथा का गान होता है, उस स्थान का परमाणु दिव्य हो जाता है, सच्चिदानंदमय हो जाता है। और यहां गरुड़ जी ने ये बात कही, देख परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना। यहां गरुड़ जी के कहने का तात्पर्य है जिस कारण से आए थे ना, हमें हमारे मन को मोह हो गया था, हम जिस कारण से आए थे, बोले वो कार्य तो हमारा आपके आश्रम का ही दर्शन करके सिद्ध हो गया। वो कार्य सिद्धि तो केवल आपके आश्रम का ही दर्शन करके हो गई, पर अब आ गए हैं तो हमको भगवान की कथा सुनाइए। सादर तात सुनावो मोही बार बार बिनवऊ प्रभु तो, अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुंज नसा। अब हमको प्रभु की कथा सुनाइए, अब हरि की कथा सुनाइए। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनी। ये श्रोता का गुण बताया एक प्रकार से काकभूषुंडी जी ने। पहले दिन आपको मैंने कहा था ना, ऐसे किसी को भी ना सुनाने लग पड़ो। भूखा ही भोजन का अधिकारी है। कैसे विनती की है गरुड़ जी ने, कहने सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, अत्यंत विनय पूर्वक से गरुड़ जी ने कहा। और गरुड़ जी की वाणी कैसी है, सरल, यानी जिसमें कोई कपट ना हो। सरल वाणी जिसमें कोई कपट ना हो। कपट माने सोच कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, आए तो किसी और प्रयोजन से हैं, कह कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, जो ना हो उसको ही दिखाना बताना कपट है। तो कह रहे गरुड़ जी की वाणी ऐसी नहीं है, सरल। सबसे पहला गुण तो है सरल, कोई कपट नहीं है, निष्कपट वाणी। और सुप्रेम मधुर मीठी, आपको भी सुख दे दूसरे को भी सुख दे, सुखद और सुपुनीता। सुपुनीता भयउता सुमन परम पूछा। अब कह रहे वक्ता कैसा हो, वो जैसे कोई कहे ना भगवान की कथा सुनाओ, कह रहे भय उतास उमन परम उछाहा, कह रहे काकभूषुंडी जी तो परम आनंदित हो गए कि आहा गरुड़ जी हमसे कथा सुनने के लिए आए हैं, ये हमसे कथा सुनने के लिए कह रहे, अब हम इनको भगवान की कथा सुनाएंगे। तो केवल श्रोता को ही आनंद नहीं होता जब कोई वक्ता मिलता है, वक्ता को भी आनंद होता है जब कोई योग्य श्रोता मिलता है। और मैं तो सदा से ही आपको कहता हूं, वक्ता और श्रोता में श्रोता की भूमिका बड़ी गंभीर होती है। हम क्या कहेंगे ये आप पर निर्भर करता है।
वक्ता क्या कहेगा, वो क्या कह पाएगा, ये तो श्रोता पर निर्भर करता है। भयउता सुमन परम पुछा, लाग कहे रघुपति गुण गा। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, जैसे गरुड़ जी ने कहा, कागवसुंडी जी ने सुनानी आरंभ कर दी। क्या राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी कहानी। गाओ, आप बहुत अच्छा गा रहे हो, गाओ। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। आज दुलारी कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारी कौशल्या की आंख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो रघुकुल के। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, घर त्याग भय बनवासी पित की आज्ञा से धर के, घर त्याग भय बनवासी पित की आज्ञा से धर के, लखन सियाले संग छोड़ी रज धानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का जनक सुता
वहां काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई, यहां आपने राम कथा सुन ली। आगे के प्रसंग की चर्चा कल करेंगे, आज यही वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को।